हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 की बात करेंगे, भारत की वर्तमान शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिससे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। बिहार में भी अभी लागू नहीं हुई है। इसकी अगर प्रमुख बातें की बात करें तो सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया। इसकी अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ था। कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव लिया। प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। अगस्त 1985 की शिक्षा की एक चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, प्रशासकीय आदि ने अपनी शिक्षा संबंधित टिप्पणियां दी। और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति ने 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया। 1914 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया था। नई शिक्षा नीति 2020 पर देश भर के शैक्षिक संस्थानों के साथ चर्चा, इसमें बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, जामिया, पंजाब विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय तथा कालीकट विश्वविद्यालय केरल से भाग लिया। इसकी अगर प्रमुख परिवर्तन की बात करें, इससे क्या क्या परिवर्तन आएंगे। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़ के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4.43% है। एम फिल को समाप्त कर दिया जाएगा। अब संशोधन में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 2 साल स्नातकोत्तर करके PhD में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षण प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाए। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन सब के लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि वो जो मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं उसको बढ़ाने और रोकने पर भी इसमें काफ़ी पहल की जा रही है। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते हैं, किंतु अब उसमें भी बदलाव लिया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपना विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले से और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित
फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी, वो अब 3 साल के प्री प्राइमरी के साथ कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3-5 के 3 साल शामिल है। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12 तक का 4 साल का होगा। पहले जहां 12वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होती थी, वह अब 9वीं कक्षा से रहेगी। शिक्षण के माध्यम से रूप में 1 से 5 तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जो भी रट्टा कराते हैं स्कूलों में, उस विद्या को सबसे पहले खत्म की जाएगी इसमें, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष में छोड़ने पर पे डिग्री का प्रावधान रहेगा। इसकी अगर हम लोग प्रतिक्रिया की बात करें, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरांत बुद्धिजीवों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं मुख्यतः इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया गया, लेकिन इसमें कुछ लक्ष्य को पूरा करने पर संदेह व्यक्त किया गया। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है, जिसे फिर से दोहराया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति M. जगदीश कुमार ने एक शिक्षा नीति को समावेशी कहा है। कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर का कहना है कि इस नीति में रखे गए लक्ष्य ऐसे हैं जिनमें पूर्ण होने की संभावना कम है। BBC के अनुसार इस नीति में RSS की पद्धति और योजना को शामिल किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन डूटा ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपत्तिजनक माना है, जिसका कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जिम्मे झोंक देना अनुचित है। और ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।